अच्छा तो सी एन एस के टॉपिक्स में ना सिंड्रोम्स बहुत ज़्यादा हैं और ये कन्फ्यूजिंग भी हैं लाइक हम ऑलरेडी दो सिंड्रोम्स पढ़ चुके हैं मलेग्नेट हाइपरथर्मिया और सेरोटोनिन सिंड्रोम अब जो तो नेक्स्ट सिंड्रोम है दैट इज़ न्यूरोलेप्टिक मलेग्नेट सिंड्रोम ठीक है इसके जो सिम्टम्स हैं वो तो मलेग्नेंट हाइपरथर्मिया जैसे ही हैं लेकिन दोनों की कॉज डिफरेंट है जो हमने मलेग्नेट हाइपरथर्मिया पढ़ा था वो हमने कहा था कि वो एक तरह का रिएक्शन है टू इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स एंड सेक्सनाल कोलिन जबकि न्यूरोलेप्टिक मलेगनेंट सिंड्रोम एक्चुअली हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जब हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं तो हमें पता है कि में मोस्टली एक्शन वो डोपामिन इनहिबिटरी इफेक्ट से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना डोपामिनर्जिक इनहिबिशन करके वो एंटी साइकोटिक एक्टिविटी ला रहे होते हैं लेकिन अगर वो डोपामिन इन एक्टिविटी या डोपामिन इनहिबिशन बहुत स्वेयर हो जाए एक्सट्रीम हो जाए तो उस नतीजे में होता है न्यूरोलैप्टिक और यहाँ लिखा भी हुआ है अच्छा हमने ये कहा था कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं वो टिपिकल होते हैं और एटिपिकल होते हैं जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं या फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं उनके हमने कहा था कि बहुत सवियर एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स आते हैं तो दोज पेशेंट्स वो आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द एक्स्ट्रा पैरामिडल इफेक्ट्स ऑफ एंटीसाइकोटिक्स और आई शुड से फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स उनमें रिजल्ट करता है लाइफ थ्रेटनिंग सिंड्रोम या लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर हम कहते हैं न्यूरोलेप्टिक मलेग्नट सिंड्रोम इसके जो सिम्टम्स हैं हम सारे मलेग्नर हाइपरथर्मिया वाले ही हैं लाइक मार्क्ड मसल रिजिडिटी होगी हाइपरथर्मिया होगा और ऑटोनोमिक डिसरेगुलेशन है बीपी की हार्ट रेट की हाइपर टेंशन टा कि कार्डिया डायफ्रासिस वही सारे सिम्टम्स हैं ठीक है और ये रिजल्ट कर, रिजल्ट करता है फ्रॉम एन एक्सेसिवली रैपिड ब्लॉकेड ऑफ पोस्ट पोस्टिक पोस्ट सैनाप्टिक डोपामिन रिसेप्टर्स अगर पोस्ट सैनेपटिक डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक तो होना ही लेकिन वो एक्सेसिवली रैपिड ब्लॉक हो जाए तो फिर हमें ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं और उसको तो हम कहते हैं न्यूरोलेप्टिक मलिग्नट सिंड्रोम और ये एक्स्ट्रा पेराम इफेक्ट्स की वजह से आते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है वो सेम है ऑफ हाइपर हाइपरथर्मिया दैट इज डेंट्रोलिन देंगे जो कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है अंदर उसको ब्रोकर तो नहीं है बट इस मसल रिलेक्सेंट क्योंकि इसमें मसल डिजिटली हो रही है तो इस स्कॉर मसल रिलेक्सेंट दैट इज डेंट्रल इन और डायजीपाम देंगे टू रिलैक्स द पेशेंट डोपामिन एगेस्ट देंगे क्योंकि ये डोपामिन इनहिबिशन की वजह से हो रहा है ना नोपेगन सिंड्रोम तो हम डोपामिन एगनिस्ट देंगे लाइक ब्रोमोक्रिप्टीन तो ये तीन इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं इसके मैनेजमेंट के लिए निरलेप्टोमिलेगन सिंड्रोम की एक तो है डेंटोलिन एक है डायजीपाम और एक डी डी डेंटोलिन डायजीपाम एंड डोपामिन एगनिस लाइक ब्रोमोक्रिप्टीन इसके अलावा चूंकि फीवर भी हो रहा है तो इसमें हम कूलिंग करेंगे बाय फिजिकल मेजर्स फॉर फीवर और सिंस uh, ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स uh, ज़्यादा रिजल्ट करता है तो आफ्टर रिकवरी फ्रॉम न्यू लेप्टिक मिलग्ग्न सिंड्रोम हमने उनको एंटीसाइकोसिक्स के लिए कोई ड्रग तो देनी है ना तो फिर हम स्विच करेंगे टू एंड ए टिपिकल ड्रग आफ्टर रिकवरी क्योंकि ए टिपिकल ड्रग के एक्स्ट्रा पेमोडल इफेक्ट्स काफ़ी कम होते हैं तो या दिस इज ऑल अबाउट द न्यू लेप्टिक मिलेगन सिंड्रोम आई होप कि ये मतलब कन्फ्यूजिंग नहीं हुआ होगा आपके लिए